दोस्तों आज की वीडियो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग गाड़ी के ऊपर होने वाली है, क्योंकि जब यह गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी तो या लॉन्च होते ही हम सबका नज़रिया बदल के रख देगी मारुति के प्रति। दोस्तों यह कोई रहस्य नहीं है कि मारुति जो कि इंडिया लिमिटेड घरेलू बाजार के लिए जिम्नी लाइफस्टाइल ऑफ रोडर को लॉन्च करने पर विचार कर रही है। जुलाई 2021 के आसपास शशांक श्रीवास्तव जी जो कि मारुति के सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड इंडियन मार्केट के अंदर जिम्नी को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और अभी इतने लंबे टाइम के बाद और अधिक डिटेल सामने आई है। दोस्तों रिपोर्ट किए गए डीलरों की मीटिंग की डिटेल से पता चलता है कि जिम्नी को घरेलू बाजार के लिए मंजूरी मिल रही है, लेकिन एक्यूरेट लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा किया जाना अभी बाकी है। इंडो जापानी निर्माता ने दर्शकों की रुचि को मापने के लिए 2020 ऑटो एक्सपो में अपने JDM स्पेसिफिकेशन में 3 डोर वाली जिम्नी को शोकेस किया था और तभी से ही इसकी लॉन्च की स्पेक्यूलेशन तेज हो गई थी। इसके अलावा दोस्तों इस साल की शुरुआत में जिम्नी का प्रोडक्शन इंडिया में एक्सपोर्ट मार्केट के लिए लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। विदेशों में जिम्नी की काफ़ी ज़्यादा मांग है और इंडिया में तो होनी ही थी। क्या आप में से भी कोई भाई इस गाड़ी का वेट कर रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार मारुति सुजुकी जिम्नी को इंडिया में आने पर 5 डोर वाले मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा और इसे विशेष रूप से नेक्सा प्रीमियम डीलरशिप के माध्यम से बेचा जाएगा, जहां बलेनो, सियाज, XL6, एसक्रॉस और इग्निस बेचे जाते हैं। एज फॉर डायमेंशंस, जिम्नी के 5 डोर वाले वर्जन में ग्लोबल स्तर पर उपलब्ध 3 डोर जिम्नी की लंबाई और व्हील बेस में 300 mm की वृद्धि देखी गई है। SUV की कुल लंबाई 3850 mm, चौड़ाई 1645 mm और ऊंचाई 1730 mm होगी और इसका व्हील बेस 2550 mm होगा। विशेष रूप से जिम्नी की लंबाई 4 मीटर से कम होगी, जिसका माप स्विफ्ट के समान होगा। हालांकि इसका व्हील बेस विटारा ब्रेजा की तुलना में थोड़ा लंबा होगा। जिम्नी भी इस कॉम्पैक्ट SUV क्लास में प्रॉपर 4x4 सिस्टम के साथ अपनी तरह की एकमात्र SUV होगी। अंडर द हुड जिम्नी कार निर्माता के परिचित 1.5 लीटर K15V पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित होगी, जो मारुति के 12 वोल्ट SHVS माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है। यह इंजन पहले से ही विटारा, ब्रेजा, सियाज, अल्टिगा और एसक्रॉस जैसे मॉडलों में ड्यूटी करता है और 102 PS की पावर और 138 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन की संभावना में 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स शामिल होगा। दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 मीटर से कम लंबाई के बावजूद जिम्नी इंडिया में लोअर एक्साइज कैटेगरी में नहीं आएगी, क्योंकि यह 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का उपयोग करती है। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मारुति सुजुकी लगभग 1 साल से एक्सपोर्ट के लिए जिम्नी के 3 डोर लेफ्ट हैंड ड्राइव वर्जन का स्थानीय रूप से निर्माण कर रही है। हालांकि सूत्रों के अनुसार मारुति ने अब एक्सपोर्ट के उद्देश्य से जिम्नी के 3 डोर राइट हैंड ड्राइव वर्जन का स्थानीय निर्माण भी शुरू कर दिया है। इस प्रकार मारुति जिम्नी के 3 डोर वाले वर्जन को बाद में इंडिया में भी लॉन्च किया जा सकता है। इस पर आपके क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों यह देखते हुए कि जिम्नी एक 4-व्हील ड्राइव सिस्टम को नियोजित करेगी, इसीलिए उम्मीद की है कि देश भर में कॉम्पैक्ट SUV की मौजूदा फसल की तुलना में इसकी कीमत प्रीमियम पर होगी। आप अपना एक्सपेक्टेड प्राइस कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। यह निश्चित रूप से एक आला प्रोडक्ट होने वाला है और जबकि इसके आकार के मामले में कोई भी प्रत्यक्ष कॉम्पिटिटर नहीं है, यह लगभग निश्चित रूप से महिंद्रा थार और फोर्स गोरखा के खिलाफ ही मैदान में उतरेगा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी 5 डोर जिम्नी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो थोड़ी सी तो पसंद आई ही होगी। अगर आपको आज की वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो लाइक के साथ एक शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।